हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रिडिक्शन मास्टर में, जहां आज मैं आपको बताऊंगा इंग्लैंड वीमेन और न्यूजीलैंड वीमेन के बीच में होने वाला 3 मैचों का सीरीज का पहला ओडीआई मैच जो कि हेडिंगले में खेला जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस मैच का मैं आपको प्लेइंग 11 और ड्रीम 11 टीम बताऊंगा। तो इससे पहले कि मैं आपको प्लेइंग 11 और ड्रीम 11 टीम बताऊं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। फ्रेंड्स, कल बहुत सारे मैच वीमेन टीम के वर्ल्ड कप T20 क्वालिफायर के स्टार्ट हो रहे हैं, जिनका ऐसी ऐसी टीम है जिनका प्लेइंग 11 जानना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मैं इन सारे मैचों का मैं प्लेइंग वीडियो नहीं बना पाऊंगा। अगर आप खेलना चाहते हैं तो आप अपनी खुद की रिस्क पे खेलें, एक बेहतरीन टीम बनाएं खुद से। मैं यही आपको सलाह दूंगा कि इस मैच में, इन सारे मैच में आप ज़्यादा पैसा ना लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। आइए फ्रेंड्स, बात करते हैं इंग्लैंड वुमेन और न्यूजीलैंड वुमेन की क्या प्लेइंग 11 हो सकती है। तो पहला मैच है, सबसे पहले अगर बात करें, ये हेडिंगले लीड्स में खेला जाएगा। दोनों टीमें बहुत ही अच्छी हैं और एक कांटे का टक्कर देखने को मिल सकता है। इंग्लैंड की प्रोबेबल 11 की बात करें फ्रेंड्स, तो टेमी ब्यूमॉन्ट और डेनियल वैट ओपन कर सकती हैं, या फिर एमी जोन्स ओपन कर सकती हैं और डेनियल वैट नीचे खेल सकती हैं। लेकिन टेमी ब्यूमॉन्ट और डेनियल वैट ओपन करते हुए आपको दिख सकती हैं। फिर सारा टेलर जो कि विकेट कीपिंग करेंगी, फिर नटालिया सीवर, हीथर नाइट जो कि कैप्टन है, एमी जोन्स या जेनी गन में से कोई एक खेलेगा। 50-50 चांस है इन दोनों प्लेयर्स का, कोई भी खेल सकता है। उसके बाद कैथरीन ब्रंट, अनया शरबसोल, के जॉर्ज, एलेक्स हार्टली और सोफी एलेक्सटोन। फ्रेंड्स, ये प्लेइंग 11 रह सकती है इंग्लैंड वुमेन की। अब जो इसमें रिस्की प्लेयर और सेफ प्लेयर बता दूं फ्रेंड्स, जो सेफ प्लेयर हैं वो टैमी ब्यूमॉन्ट, डेनियल व्याट, सारा टेलर, नटालिया सीवर, हीथर नाइट, कैथरीन ब्रंट, अनया शरबसोल, सोफी एलेक्सटोन और एलेक्स हार्टली। तकरीबन 9 प्लेयर फ्रेंड्स सेफ हैं, आप इन 9 में से रख सकते हैं और बाकी के जो 2 प्लेयर हैं वो थोड़े से अनसेफ हैं, इसलिए आप इन दोनों प्लेयर को इग्नोर करके चलें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। अब आइए बात करते हैं न्यूजीलैंड की प्रोबेबल 11 की। तो सूजी बेट्स ओपन करेंगी जो कि कैप्टन है, उनके साथ सोफी डिवाइन, फिर कैटी मार्टिन जो कि विकेट कीपिंग करेंगी, एमी सैथरवेट, फिर मैडी ग्रीन, जेस वॉटकिन, एमेलिया कर, ली कैस्पर, ली तहुहु, अन्ना पेटरसन और हेली जेंसन। तो फ्रेंड्स, ये प्लेइंग 11 रह सकती है न्यूजीलैंड वुमेन की। अब जो बता दूं, इसमें जो रिस्की प्लेयर मुझे लग रहे हैं और जो सेफ हैं, सेफ की बात करें तो सूजी बेट्स, सोफी डिवाइन, कैटी मार्टिन, एमी सैथरवेट, मैडी ग्रीन, एमेलिया कर, ली कैस्पर्क, हेली जेंसन और एना पटरसन। ये फ्रेंड्स 9 प्लेयर जो हैं बिल्कुल सेफ हैं, तो आप इन 9 में से किसी को भी रख सकते हैं। बाकी के जो 2 प्लेयर हैं थोड़े से रिस्की हैं, तो आप इन दोनों प्लेयर को इग्नोर करके चलें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। तो फ्रेंड्स, आइए अब बात करते हैं ड्रीम 11 टीम की। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक कर दें। फ्रेंड्स, ये पहला मैच है तो थोड़ा सा प्लेइंग 11 प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको एक बेहतरीन वो प्लेइंग 11 दूँ जो कि खेले हर हाल में। तो आइए फ्रेंड्स, मैंने टीम क्रिएट कर लिया है और ये स्मॉल लीग के लिए मैं टीम बना रहा हूँ। फ्रेंड्स, विकेट कीपर में आपके पास 2 ऑप्शन, सारा टेलर और कैटी मार्टिन है। दोनों ही बड़े अच्छे हैं, सारा टेलर जो कि फर्स्ट ओवर पे ये भी बैटिंग करने आती हैं और कैटी मार्टिन भी। तो ये ओडीआई मैच है तो दोनों बैट्समैन को अच्छा मौका मिलेगा बैटिंग करने का, तो ये आपके ऊपर है। मैं क्रेडिट ना मैनेज कर पाने की वजह से सारा टेलर को छोड़कर कैटी मार्टिन को रख रहा हूँ। अगर आप मैनेज कर पा रहे हैं क्रेडिट तो सारा टेलर के साथ जा सकते हैं, ये बड़ी अच्छी बैट्समैन है। वहीं बात करें फ्रेंड्स बैट्समैन की, तो मैंने 4 बैट्समैन, टैमी ब्यूमॉन्ट, सूजी बेट्स, डेनियल व्याट और मैडी ग्रीन, ये 4 बैट्समैन को मैंने पिक करा है। आपके पास जो दूसरे ऑप्शन है, एमी सैथरवेट जो कि वनडे में काफ़ी अच्छी बैटिंग करती हैं, तो आप इनको ले सकते हैं, हीथर नाइट, उसके बाद एमी जोन्स, इनका थोड़ा सा चांस कम है वैसे, आप इनको ले सकते हैं। ग्रैंड लीग में रिस्क आपके ऊपर है, थोड़ा सा रिस्की जरूर है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई बैट्समैन की बात। अब आइए बात करते हैं ऑलराउंडर्स की। तो मैंने 3 ऑलराउंडर, सोफी डिवाइन, कैथरीन ब्रंट और नटालिया सीवर, ये 3 को मैंने पिक कर लिया। आपके पास जो दूसरे ऑप्शन है, एमेलिया कर बड़े ही अच्छी, जैसे 10 ओवर पूरी बॉलिंग करेंगी और बैटिंग मिलने पर बैटिंग भी करेंगी, तो आप ग्रैंड लीग में इनको कैप्टन बना सकते हैं, ये बहुत आपको पैसे विन करा सकती हैं ग्रैंड लीग में। वहीं जेनी गन थोड़े से रिस्की हैं, 50-50 चांस है, तो ये अपने रिस्क पर इनको रखना चाहते हैं तो रख लें। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स बॉलर की, तो मैंने 3 बॉलर, अनया शरबसोल, ली कैस्पर्क और हेली जेंसन, बिल्कुल जो सेफ है उन्हीं को मैंने रखा है। आपके पास जो दूसरे ऑप्शन है, बता दूं फ्रेंड्स, सोफी एक्लेस्टोन 100% मैच खेलेंगी तो इनको आप रख सकते हैं, एलेक्स हार्टली भी खेलने वाली है तो इनको भी आप रख सकते हैं,
उसके बाद हन्ना रोवे और ली तोहू में से कोई एक खेलने वाला है, तो रिस्की है जरूर, और एना पटरसन आपको खेल सकती हैं। तो ये कुछ ऑप्शन थे जिनको मैंने बता दिया, लेकिन जो सेफ ऑप्शन थे वो मैंने पिक कर लिया। अब आइए बात करते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन की। कैप्टन मैंने सोफी डिवाइन को बना दिया, जो कि बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगी और ओपन करती हैं, और वाइस कैप्टन मैंने नटालिया सीवर को बना दिया, जो कि बॉलिंग करती हैं और मिडिल ऑर्डर में बैटिंग भी करती हैं। वैसे आपके पास सूजी बेट्स के रूप में एक अच्छे ऑप्शन मौजूद है, जो कि कैप्टन बना सकते हैं, और टैमी ब्यूमॉन्ट भी बहुत ही अच्छी ऑप्शन है आपके लिए, और अगर सारा टेलर को रखते हैं तो सारा टेलर भी एक बेहतरीन ऑप्शन है। और फ्रेंड्स, ली कैस्पर्क आप ग्रैंड लीग में ली कैस्पर्क और एमिलिया कर को बना सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए बहुत सारे चॉइस हैं। आइए एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं। कैटी मार्टिन, टैमी ब्यूमॉन्ट, सूजी बेट्स, मैडी ग्रीन, डेनियल व्याट, सोफी डिवाइन, कैथरीन ब्रंट, नेटालिया सीवर, ली कैस्पर्क, हेली जेंसन और अनन्या श्रबसोल। तो फ्रेंड्स, ये आज की मेरी ड्रीम इलेवन टीम। जरूरी नहीं जो मैं टीम बनाए उसे आप जीते हैं, तो एक दो चेंजेस करना चाहते हैं तो खुद से कर लें, और कैप्टन और वाइस कैप्टन खुद की चॉइस से रखें तो ज़्यादा बेहतर है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।